ये है मेरा YouTube चैनल ईशान मॉनिटर। यहाँ आप एक टिक देख सकते हैं। इस टिक पर जब मैं अपना कर्सर लाता हूँ तो इस पर लिखा हुआ होता है वेरीफाइड। इसी तरह से यहाँ पर ईशान LLB चैनल है, इस पर भी एक टिक लगा हुआ है। यहाँ पर एक और चैनल है ईशान हेल्थ, इस पर देखिए यहाँ पर भी टिक लगा हुआ है। इस चैनल पर देखिए यहाँ पर कोई टिक नहीं लगा हुआ है। इस तरह से आपने काफी सारे YouTube चैनल्स पर ये टिक मार्क देखा होगा और कई सारे चैनल पर आपने ये टिक मार्क नहीं देखा होगा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस टिक मार्क बैच का क्या फायदा होता है और ये कैसे लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं इस वेरिफिकेशन बैच के फायदों के बारे में तो इसका आपको कोई बड़ा फायदा नहीं मिलता है। इसके आपको सिर्फ तीन फायदे मिलते हैं। पहला तो ये कि आपके चैनल पर एक वेरिफिकेशन बैच टिक मार्क लग जाता है जिससे आपका चैनल ट्रस्टेड, वेरीफाइड और ऑफिशियल फील होता है। दूसरा फायदा आपको ये होता है कि कोई भी उसी नाम से एक न्यू चैनल बनाकर उसको वेरीफाई नहीं करा सकता। जैसे कि ईशान LLB हमारा एक चैनल है, ईशान मॉनिटर एक चैनल है, तो अगर कोई पर्सन ईशान मॉनिटर नाम से एक नया चैनल बनाए तो उसको वो वेरीफाई नहीं करा सकता है। तीसरा फायदा ये है कि जब आपके वीडियो पर कोई कमेंट करता है तो आप वहां पर आंसर देते हैं तो आपके नाम के साथ एक वेरिफिकेशन बैच लगा हुआ होता है। इसका फायदा ये होता है कि कोई भी पर्सन आपके नाम से चैनल बनाकर आपके सब्सक्राइबर्स को आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि वो आंसर देगा तो वहां पर टिक मार्क वेरिफिकेशन बैच नहीं होगा जिससे सब्सक्राइबर्स समझ जाएंगे कि ये कोई फेक पर्सन है। चलिए हम बात करते हैं कि आप इस टिक मार्क को, इस वेरिफिकेशन बैच को कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वेरिफिकेशन बैच को हासिल करने के लिए टू कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपके चैनल पर कम से कम 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके चैनल पर जिस टाइम आप इस वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं कोई कम्युनिटी स्ट्राइक या फिर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके चैनल पर 1,00,000 से कम सब्सक्राइबर्स है या फिर आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक है तो आपको ये वेरिफिकेशन बैच नहीं मिलेगा। अगर आप इस कंडीशन को पूरा करते हैं तो वेरिफिकेशन बैच लेने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अपने चैनल पर ये वेरिफिकेशन टिक लेने के लिए, वेरिफिकेशन बैच लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्टेक्ट फ्लो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक न्यू टैब ओपन होती है। नीचे यहाँ पर राइट साइड में आपको देखिए ऑप्शन मिलते हैं, इसमें जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ईमेल पर क्लिक करते ही आपके सामने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म आ जाता है। इसमें आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर अपने चैनल का URL और यहाँ पर अपना इशू टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फर्स्ट नेम ईशान, लास्ट नेम सिड, चैनल URL में यहाँ पर डाल देता हूँ। अपने चैनल पर जाएंगे, ये चैनल है तो यहाँ पर जो ये URL है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे 100 के सब्सक्राइबर, सो प्लीज प्रोवाइड मी वेरिफिकेशन टिक बैच, इतना लिखना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर इसको नो कर देंगे। यहाँ पर है कि क्या ये रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन बैच के बारे में है, इसको यस कर देंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास एक ईमेल आएगा YouTube पार्टनर सपोर्ट की तरफ से। देखिए इसमें लिखा हुआ है थैंक्स सो मच फॉर रीचिंग आउट, ये एक ऑटोमेटिक ईमेल है। इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर एक दूसरा ईमेल आएगा जिसमें देखिए लिखा हुआ होगा थैंक्स फॉर रीचिंग आउट एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन हिटिंग मोर देन 1,00,000 सब्सक्राइबर्स, आई हैव गुड न्यूज, आई हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर चैनल, कि आपके चैनल को सक्सेसफुली वेरीफाइड कर दिया गया है। इसके बाद जब आप अपने चैनल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक वेरिफिकेशन बैच मिलेगा, ये टिक मार्क मिलेगा जिससे लगेगा कि आपका चैनल ऑफिशियल है और वेरीफाइड है। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो चैनल पर वेरिफिकेशन बैच होता है इसका क्या फायदा होता है और इसे लेने का, इसको हासिल करने का क्या तरीका होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।